हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सुबह की बज चुकी है 11 और हमारे घर पर तैयारी हो रही है गणेश जी विराजमान करने की। हम सभी नहाकर रेडी हो चुके हैं, बहुत एक्साइटेड हैं गणेश जी को विराजमान करने के लिए। थोड़ी देर में ही अब घर में पूजा स्टार्ट होने वाली है। ये नमन भी रेडी हो गया है और ये देखो हमारा पंडाल कितना प्यारा लग रहा है। कालरा साहब और डेकोरेशन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे एक क्यूट सा बच्चा आ गया है जिसका नाम है, क्या नाम है आपका, नाम क्या है आपका? माधव। लव्या, कितनी एक्साइटमेंट है आपको? बहुत ज्यादा। और यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर दी हैं और बस अब थोड़ी देर में ही पूजा स्टार्ट होने वाली है और हम गणेश जी को अपने घर पर विराजमान करेंगे। और हमारी डोली मैडम भी आ गई है, सफाई कर रही है। नमन की बुआ बना रही है प्रसाद। हाँ जी, प्रसाद में क्या बना रहे हो आप? तड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रहे हो आप प्रसाद में? हम पप्पा के भोग के लिए बना रहे हैं आलू पूड़ी। वाह वाह। और यहाँ पर बन रहा है आलू पूड़ी का प्रसाद और ये पूड़ियों के लिए आटा भी गूंदा हुआ है। पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है घर में, बस अभी सिर्फ हमें इंतजार है पूजा शुरू होने का। एक बार डेकोरेशन पूरी हो जाए तो आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि कैसे डेकोरेशन हुई है। हमने ये वाला सोफा पहले ड्राइंग रूम से उठा के बाहर रख दिया था, लेकिन बाहर काफी कंजस्टेड सा हो रहा था तो अब हमने इसको उठा के रूम में रख दिया है। और यहाँ भी सारी सेटिंग कर दी गई है, स्टडी टेबल भी लव्या की यहाँ पर रख दी है। और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है पूरी साफ सफाई करने की। हाँ लव्या, आप क्या बना रहे हो? छोटी छोटी पूड़ी बना रहे हो? सब्जी भी बनाएगी। और यहाँ हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं और ये हमारी सारी पूजा की तैयारी हो रही है। गणेश भगवान की जय। जय कर माधव, जय जय। पंडित जी सारी तैयारी कर रही हैं पूजा की और हमारा दरबार भी सज चुका है पूरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूजा का थाल अब सज चुका है और पंडित जी ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। हाँ जी पंडित जी, कितनी देर है अब? और ये हमने अपने गौरी गणेश तैयार कर लिए हैं। अच्छा, इनको हम स्थापित करेंगे विधिवत। अच्छा, बढ़िया है। और वो नवग्रहों को? ये हमारे नवग्रह तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इनको भी स्थापित करेंगे कुछ पलों में। बढ़िया है। चलो लव्या, यहाँ पे क्या लिख रही है भाई? ये हमारे शुभ लाभ लिख रही है। शुभ लाभ। हाँ, और लव्या कह रही थी मैं भी लिखूंगी। बना रही है। अच्छा, पहले रफली बनाएगी फिर फेयर करेगी लव्या। अच्छा वाह। तो बस अब थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है। Okay.
सच्चे दरबार की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। पार्वती माता की जय। बोल गणपति गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा गौर्य। गणपति बप्पा गौर्य। मंगल मूर्ति गौर्य। मंगल मूर्ति गौर्य। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। 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 और गणपति गजानंद महाराज वर नवग्रह भगवान की जय। नवग्रह भगवान की जय। जय भगवान की जय। सुख शांति देना, सबको शांति बनाए रखना, कोई विघ्न ना आए, आप सबके दुख हरता हो, दुख हरना। हे गणेश भगवान तुम्हारी जय हो। बोल गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा गौर्य। मंगल मूर्ति गौर्य। गणपति बप्पा गौर्य। मंगल मूर्ति गौर्य। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। कंपनी ना देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को स्वामी तुमसे बढ़कर को और तुम्हारे भक्त जनों में और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को देवा हमसे बढ़कर को देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन देवा तुमसे बढ़कर कौन ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल गणपति गजानंद महाराज की जय। विघ्न हर्ता की जय। नायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो दिविनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। गंगा जी छिड़कते रहो सब पे। हेलो गंगा नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। अच्छा भी है ये तौलिया है। यक नमो नमः विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया ओम गण गणपते नमः दिविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। नायक नमो नमः। बोल गणपति गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा को नजर न लगे किसी। इतना प्यारा है सिंगार के तेरी देऊ नजर उतार। कितना प्यारा है।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा माता जाके पार्वती पिता सभी गणेश जी हमारे घर विराजमान हो चुके हैं और लव्या तो उनके साथ ही बैठी है। बहुत खुशी हो रही है, हमारे घर गणेश जी आए हैं। इस पल का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से घर में तैयारियां भी चल रही थी, तो फाइनली आज हमारे घर गणेश जी आ चुके हैं। दिल से उनका शुक्रिया है, धन्यवाद है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी सब अपने अपने घर जा चुके हैं, लंगर प्रसाद भी हो चुका है, दोपहर की 3:30 बज चुकी है। तो अभी हम थोड़ी देर गणेश जी भी अभी रेस्ट करेंगे, हम भी थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को फिर 6 बजे कीर्तन होगा और फिर लंगर प्रसाद करेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर रेस्ट के बाद। तो अभी हम शाम के लंगर की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मेरी हेल्प कर रही है हमारी रितिका भाभी। शाम के लंगर प्रसाद में हम बना रहे हैं चने की दाल के चावल और हमने बनाने शुरू कर दिए हैं और गणेश जी को आज भोग लगाएंगे। शाम के भोग में गणेश जी को आज चने की दाल के चावल खिलाएंगे। सुबह उनको आलू पूड़ी खिलाई थी। भाभी लव्या तू भी खाएगी? क्या खाएगी? छोले भटूरे। छोले भटूरे भी बना देंगे एक दिन। एक दिन गणेश जी को छोले भटूरे भी खिला देंगे। तो अभी बस ये बना रहे हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे कीर्तन। तो अभी रात के बज चुका है 7:30 और अभी घर पे हो रहा कीर्तन। वो बाहर बारिश भी हो रही है, गणेश चौथी है, भगवान जी खुश हो रहे हैं तो बारिश आ रही है। बाकी और कीर्तन तो मैं आपको आरती दिखाता हूँ। अगर मैं भीग भी चुका हूँ, मैं अभी नीचे खेल रहा था तो बारिश आ गई थी तो इसमें मैं ऊपर आ चुका और आरती भी स्टार्ट हो गया। तो आरती दिखाता हूँ। सबसे पहले तुझे ही मनाऊं जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। तो गाइस अभी रात की बज चुके 11:30 और आज बहुत इंजॉय किया, गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, गणपति बप्पा हमारे घर आ गए और अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ और अपना व्लॉग भी एडिट कर चुकी हूँ। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और गणेश चतुर्थी से रिलेटेड आपको आगे भी व्लॉग मिलते रहेंगे क्योंकि पूरे 10 दिन के लिए हमने गणेश जी को अपने घर पर विराजमान किया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।